हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्री टैबलेट योजना कक्षा 10 जो 2022-23 में जिन्होंने सत्र में आपने जो कक्षा 10 उत्तीर्ण किए, तो कक्षा 10 के इन सभी विद्यार्थियों को ये पूरी पीडीएफ पे 200 लगभग 35 पेज की पीडीएफ पे, जिसमें सिलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं उन सभी का नाम है, जिनके रोल नंबर हैं, इनके कितने परसेंटेज है 10वीं में, और इनके ज़िले का नाम, इनके स्कूल का नाम, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। साथ ही मेरिट क्रमांक भी इसमें दे रखा है कि आपकी जो स्टेट मेरिट में जो कितना नंबर इसमें आया है। तो ये पूरी जो लिस्ट है वो 2022-23 का जो सत्र, जिसमें 2022-23 के सत्र में जिन्होंने 10वीं क्लास पास की थी, उन विद्यार्थियों के नाम हैं जिनको जो टैबलेट दिया जाएगा, फ्री टैबलेट दिया जाएगा। और इसके साथ में आपको 3 साल का जो फ्री इंटरनेट भी दिया जाएगा, ये जो सरकार की ओर से आपको देने की घोषणा की गई थी। तो 3 साल का इंटरनेट और टैबलेट, ये दोनों आपको जो जिन जिन बच्चों को मिलेगा उन सबकी जो लिस्ट है वो आपके सामने आ चुकी है। ये आपके सामने 2022-23 के सत्र में जिन्होंने 10वीं क्लास उत्तीर्ण की थी, 22-23 का मतलब जिनका रिजल्ट 2023 में आया था 10वीं क्लास का, उनके बच्चों का जो ये लिस्ट है पूरी। इसके अलावा मेरे पास में 2022 की भी लिस्ट है, वो भी आपको मिल जाएगी, और 2023-24 के जो स्टूडेंट हैं उनकी भी लिस्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी और इसमें आप अपना नाम कैसे देखेंगे, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ये पूरी जो पीडीएफ है वो अपने ऐप के ऊपर आपको मिलेगी। ऐप का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये श्रीराम क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। साथ ही व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो पीडीएफ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, और आपको और भी कोई समस्या है तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो जिन्होंने 2023 में 10वीं क्लास पास की थी, उन बच्चों के इन सब लिस्ट में नाम इसमें दिए गए हैं। तो मैं आपको सर्च करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपना जो नाम है वो इस लिस्ट में देखना है। तो ये इस प्रकार से पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर लेना अपने ऐप से। आपको ऐप में जो फ्री टैबलेट योजना है आपका फ्री स्टडी मटेरियल वाला, उसमें ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसमें बच्चों के नाम दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जैसे मेरिट क्रमांक दे रखा है, मेरिट टाइप 10वीं क्लास है, और इसमें रोल नंबर दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट मेरिट इसमें टॉपर्स हैं वो जेमिनी जैन है, और फादर नेम दे रखा है इसमें, और इनके जो कितने नंबर आए वो 100 स्कोर कितना इनका टोटल वो दे रखा है, 600 में से 595 परसेंटेज इनके दे रखे हैं। साथ ही इंग्लिश में कितना स्कोर है और हिंदी में कितना स्कोर वो दे रखा है, और इनका ज़िला है बांसवाड़ा ज़िला। स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम है महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंग्लिश मीडियम में ये मोरडी गरडी में है, मोरडी गड्डी जो बांसवाड़ा ज़िले में पढ़ता है वहाँ के स्टूडेंट हैं। तो आप जो अपना, ये तो पूरी लिस्ट है इसमें कि ये 235 पेज की लिस्ट है ये। अब 235 पेज की पीडीएफ में आपको अपना नाम कैसे सर्च करना है, तो मैं आपको बताऊँगा कि जैसे आप इसमें थोड़ा सा इसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे आप, ये वाला सर्च वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस सर्च के ऑप्शन में आपको क्या करना है, या तो आपको अपना नाम डालना है या फिर अपने ज़िले का नाम आपको डाल देना है। ज़िले का नाम बड़ा हो जाएगा, आपको अपना नाम डालना है। जैसे मान लो आपका नाम है अर्जुन, तो आप इसमें सर्च करेंगे यहाँ पर अर्जुन, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसमें आपका नाम आपको सर्च करना है अर्जुन। तो जैसे ही आप इसमें सर्च करेंगे ARJUN अर्जुन सर्च करेंगे, तो अर्जुन नाम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के जो नाम है वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ये अर्जुन नाम से मैंने सर्च किया, तो एक स्टूडेंट का नाम है ये अर्जुन सिंह चुंडावत, ओंकार सिंह फादर नेम है, और ये इनके 560 नंबर है इसमें, और 93.33 परसेंटेज है। हिंदी इंग्लिश के इनके नंबर यहाँ पर दे रखे, जिला इनका चित्तौड़गढ़ है। स्कूल का नाम है इनका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेड़िया, और ये बदसर जिला चित्तौड़गढ़ ये स्टूडेंट है। तो इस प्रकार से अर्जुन नाम के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका नाम आपको इसमें ओपन हो जाएगा। जैसे आपको एक और मैं सर्च करके बताता हूँ किस प्रकार से आपको अपना नाम देखना है। जैसे एक दूसरा नाम इसमें सर्च करते हैं, मुझे देवेंद्र डी ई, जैसे आपका नाम मान लो देवेंद्र है तो देवेंद्र सर्च करेंगे, डी ई वी ई देवेंद्र। अब देवेंद्र नाम इसमें सर्च करेंगे तो आपका जो जितने भी देवेंद्र नाम से हैं, जैसे देवेंद्र पुरी गोस्वामी, इसके अलावा इसमें दूसरा नाम है ये देवेंद्र सिंह मीणा, और इसके अलावा और इसमें नाम आपको मिल जाएगा ये देवेंद्र सिंह, जितने भी देवेंद्र नाम के जो स्टूडेंट हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये वो टोटल स्टूडेंट है जो देवेंद्र के नाम से यहाँ पर आपको इसमें मिलेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको एक और नाम सर्च करके बताता हूँ, जैसे आपका नाम मान लो है अंकित शर्मा, तो आप इसमें सर्च करेंगे अंकित शर्मा ANKIT अंकित, तो या फिर अंकित ही सर्च करेंगे तो भी आपका जो नाम है वो आ जाएगा ये।
अंकित कुमार बागवान ये नाम दे रखा है। इसके अलावा ये अंकित कुमार, केवल अंकित है ये। तो जितने भी अंकित नाम के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के जो नाम है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अंकित सैनी, अंकित प्रजापत, ये जितने भी ये हाईलाइट हो जाएंगे, अंकित नाम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अंकित नाम के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के जो नाम आपको इसमें ओपन हो जाए। ये अंकित शर्मा है, पिताजी का नाम है पहलाज शर्मा और ये इनके नंबर है 529। इस प्रकार से इनका जो जिला है चित्तौड़गढ़ और स्कूल का नाम है देखो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेड़िया बदसर। तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने स्कूल के नाम से भी सर्च करेंगे। जैसे मान लो आप यहाँ पे अपने स्कूल के नाम से सर्च करेंगे तो भी आपको इसमें अपना जो नाम है वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं इसी स्टूडेंट का नाम सर्च करके बताता हूँ, करेड़िया, KAREDIA करेड़िया, करेड़िया के नाम से सर्च करेंगे तो करेड़िया के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नाम आपको इसमें सामने ओपन हो जाएगा। तो ये करेड़िया स्कूल के स्टूडेंट है ये, तो आपके सामने करेड़िया बदरसा जिला चित्तौड़गढ़। तो ये अर्जुन सिंह चुंडावत, इसके अलावा दूसरा स्टूडेंट है ये जिनका करेड़िया से सिलेक्शन हुआ है, ये है इसमें देवेंद्र सिंह, फादर्स नेम है छोटू सिंह और इनके नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, ये भी करेड़िया से हैं। और एक इनमें आपका ये अंकित शर्मा, ये तीनों स्टूडेंट एक ही स्कूल के जिन्होंने टैबलेट मिलने वाला था। इस प्रकार से आपका जो स्कूल के नाम से भी इसमें आप सर्च करेंगे तो आपको इसमें अपना स्कूल का नाम के आधार पर आपका जो नाम है वो सर्च हो जाएगा। या फिर आपके अगर आपको स्कोर पता है, ठीक है, 10वीं क्लास का अगर आपको स्कोर पता है तो भी आप इसमें सर्च करेंगे तो भी आपको इसमें मिल जाएगा कि आपका स्कोर क्या रहा था। जैसे 529 स्कोर है, 529 अगर आप जिसमें सर्च करेंगे तो जितने भी ये 529 वाले हैं ये आपको इसमें आगे सर्च हो जाएगा। 529 नाम से जितने भी जिनका भी स्कोर 529 है देखो इन सभी के जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार से आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको अपना जो रिजल्ट है वो इसमें ओपन हो जाएगा कि किन का जो सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। ये आगे से जो लिस्ट आई थी वो पूरी लिस्ट है 535 पेज की PDF है और इसमें जो स्टेट मेरिट है वो अलग अलग इसमें मेरिट रही थी। तो ये टोटल इतने स्टूडेंट हैं जिनको इसमें सिलेक्शन के आधार पर इनको इसमें टैबलेट मिलेगा। और ये सभी बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप ये PDF अपने WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और अपना जो ऐप है ऐप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप अपना इस प्रकार से नाम सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले इसमें अपना जो स्कोर है वो ये अपना नाम पता वो आपको ओपन हो जाएगा। जैसे आपको नाम नहीं मिल रहा हो तो आप अपना जो 10वीं के जो मार्कशीट में देखना कितने नंबर आपके 600 में से आ रहे हैं, उसके आधार पर भी आप इसमें सर्च करेंगे तो भी आपका नाम इसमें आ जाएगा। जैसे ये 595, 595, अब 595 के केवल एक स्टूडेंट इसमें ऊपर ही ऊपर, तो ये इसका नाम इसमें आपको यहाँ पे सर्च होता हुआ दिखाई दे रही है। 595 पहली जो मेरिट होल्डर है ये। इसके अलावा इसमें आपको अपने जो मेरिट क्या है पूरे स्टेट की जो मेरिट है उसमें स्टेट की मेरिट में ये कौन सा स्थान है तो वो भी इनमें आपको बता रखा है। जैसे स्टेट मेरिट में पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अलग अलग इनकी जो मेरिट रही है उसके अनुसार इनका जो नाम वहाँ पे दिया गया है। तो पूरी लिस्ट आपको अपने WhatsApp ग्रुप और अपने Android ऐप के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।